न्यू प्रोडक्ट्स हर साल लॉन्च होते हैं, अब तो साल में 4 बार हो रहे हैं। बीट स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेस, पावर बैंक्स, एयरफोन्स, स्मार्ट IoT डिवाइसेस, एनीथिंग। यूट्यूबर्स उन्हें रोज़ रिव्यू करते हैं, रोज़ वीडियो बनाते हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग, ये उनका काम है ये करना। वॉट इज़ बैड इज द फील, द अर्ज टू बाय द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इवन व्हेन यू हैव मोर देन इनफ। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि when is the right time to upgrade your gadgets, when do I do it, and मैं इस माया जाल में फंसा हूँ या नहीं। Let's start. So ये iPhone 11 है, इससे पहले मैं iPhone 7 यूज़ कर रहा था and I was very happy with it. iPhone 8 आया, मुझे लगा नहीं वो इतना यूज़फुल है। iPhone 9 तो आया नहीं। iPhone 10 आया, वो भी मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। iPhone 11 आया, I was like कि ये थोड़ा value for money है। 10R भी था वैल्यू फॉर मनी, बट 11 थोड़ा और वैल्यू फॉर मनी लगा एंड आई गॉट इट। बट अगर मैं यूट्यूबर, फिल्म मेकर या कुछ भी नहीं होता, अगर मेरा कैमरा से काम नहीं होता, तो आज तक आई बी यूजिंग iPhone 7 या मे बी 6S और समथिंग, और वो जो पैसे बचते आई वुड हैव इन्वेस्टेड इन समवेयर एल्स जहाँ मेरा इंटरेस्ट होता। एंड जस्ट बिकॉज ये कितना हैंडी है iPhone, और कहीं पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड द क्वालिटी इज सो ग्रेट, आई गॉट इट। अगर मेरा लिटरली काम नहीं होता तो मैं अपग्रेड नहीं ही करता। लैपटॉप्स की बात की जाए तो लैपटॉप्स में यू नीड टू थिंक कि जायंट लीप जब आता है ना, देन यू नीड टू अपग्रेड। लाइक दिस इज़ माई मैकबुक प्रो 13 इंच 2016, कंडीशन एकदम मिंट है, बट अंदर से हालत बहुत ख़राब है। कीबोर्ड का एक की निकल गया है और डिस्प्ले नहीं चल रहा, बट स्टिल वर्क्स वेरी फाइन फॉर मी। आई मतलब मॉनिटर से कनेक्ट करके और एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के आई यूज़ इट एंड आई थिंक इट विल लास्ट मी 1-2, ये तो चलने को तो 4 साल और चल सकता है, बट प्रैक्टिकली सोचो तो 6-8 महीना और चलेगा मेरे लिए, देन आई विल बाय अ न्यू वन। सो विंडोज लैपटॉप तो इतने भी नहीं टिकते, एक बार भी मैंने इसकी बैटरी रिप्लेस नहीं कराई है, एक बार भी कुछ भी नहीं किया मैंने, कभी रिपेयर के लिए कॉस्ट नहीं आई है मेरी। ये तो मेरे खुद के कर्म है कि मैंने इस पर ऐसे में पकड़ता था, आज भी ऐसे ही पकड़ता हूँ। डोंट ट्राई दिस एट होम, बट इतना मैंने रफ यूज़ करा है तभी इसकी ये हालत है। अगर इसे प्यार से मैं रखता, जैसे मेरे दोस्त ने रखा है अपना मैकबुक प्यार से, उसका 7 साल से चल रहा है और कोई इशू नहीं आया, ठीक है। तो एयरपॉड्स, एयरफोन्स की बात कर लेते, तो आई अपग्रेडेड, मतलब इनको तो अपग्रेड करना ही पड़ता है हर 2 साल में, बिकॉज ये नहीं चलते, इनकी बैटरी ख़राब हो जाती है 1-1.5 साल में इफ यू यूज़ इट डेली। लैपटॉप्स में ना एक जाइंट लीप आता है, जैसे 2016, 17, 18, 19 वाले मैकबुक्स में 10-15-20-25% का परफॉर्मेंस में डिफरेंस होगा, बट जो M1 वाले आए हैं उसमें जाइंट लीप है। तो वेट फॉर द जाइंट लीप टू हैपन एंड देन अपग्रेड, एंड फिर वो अपग्रेड तुम्हें भी अपग्रेड लगेगा, तुम्हें भी ज़मीन आसमान का डिफरेंस पता होना चाहिए कि ओ भाई मेरी तो ज़िंदगी सच में चेंज हुई है, मेरी ज़िंदगी सच में आसान हुई है, द मनी वॉज वेल स्पेंट। ये फीलिंग आनी चाहिए तुम्हें व्हेन यू अपग्रेड योर गैजेट्स, एंड दैट्स व्हाई आई वेट एटलीस्ट 3 साल बिफोर अपग्रेडिंग एनीथिंग, बी इट माय फोन, बी इट माय लैपटॉप, बी इट माय कैमरा। एंड पहले मैं बच्चों वाली सोच रखता था कि एक ही बार चीज़ें लेनी होती, कि भाई एक ही बार एयरपॉड्स ले लिए, एक ही बार कैमरा ले लिए, एक ही बार लैपटॉप ले लिए, एक ही बार फ़ोन ले लिया, आगे देखी जाएगी, बट ऐसे नहीं होता। यू नीड टू कैलकुलेट, लाइक 365 दिन होते हैं साल में, 2 साल में अप्रॉक्स एवरेज मान लो 700 दिन, ठीक है। तो ये गैजेट ले रहा हूँ, ये सिर्फ 700 दिन चलने वाला है, ठीक है। वो भी कैसे कि 1 साल की वारंटी तो एप्पल खुद देता है, 1 साल की मैं एक्सटेंड करा लूँगा 4,000 रुपये दे के, तो आई नो फॉर श्योर कि ये फ़ोन मेरा 2 साल तो चलेगा ही। फ़ोन की कॉस्ट आई थी 70,000 रुपये, या 70,000 डिवाइडेड बाई 700, लेट्स डू इट, आई एम वीक इन मैथ, सॉरी, आई नीड टू यूज़ कैलकुलेटर एवरी नाउ एंड देन। सो 100 रुपये प्रतिदिन मैं दे रहा हूँ इस फ़ोन को यूज़ करने के लिए, या मैं दे चुका हूँ, तो इज़ इट वर्थ इट? अब लोग कहेंगे इतना मत सोचने को मजबूर करो, इतना सोचेंगे तो कहाँ ही जाएंगे, ज़िंदगी कैसे इंजॉय करेंगे? बट यू नीड टू लर्न एंड देन अनलर्न थिंग्स, यू नीड टू बी अवेयर एंड देन इग्नोर फॉर योर पीस ऑफ माइंड। सो दैट्स हाउ आई डू इट। गैजेट्स को द क्रक्स इज़ हर 3 साल में अपग्रेड करो, हर साल अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है।
3 से 5 साल इज अ स्वीट स्पॉट, 7 साल भी चला सकते हो इफ यू आर नॉट इन टू दिस इंडस्ट्री. मैं टेक इंडस्ट्री में हो के भी इतने पुराने गैजेट्स यूज कर रहा हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं उसकी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, दैट आई एम गिविंग अ वेरी पॉजिटिव मैसेज आउट देयर दैट अगर मैं इस इंडस्ट्री का बंदा हो के भी ऐसे काम कर सकते हो, देन वाई कांट यू, वाई कांट यू लिव वेरी मिनिमल, वाई कांट यू लिव वेरी फ्रूगल एंड इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर एल्स एंड अपनी ज़िंदगी आसान बनाओ ऐसे, बिकॉज पैसा ही जिंदगी आसान बनाता है इन द लॉन्ग टर्म. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, शेयर करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.